हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो साथियों, हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं मासिक राशिफल के विषय में, जो कि अप्रैल 2021 से संबंधित है, यानी कि महा अप्रैल। और अब जिस राशि के विषय में हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है सिंह राशि, जिसको हम लियो साइन कहते हैं। और इससे पहले कि मैं आपसे आपके राशिफल के विषय में बात करूं, आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये जो राशिफल होता है ये लगन पर आधारित होता है, कि यानी कि अगर आपके कुंडली में जो आपका टेवा है उसमें जो प्रथम भाव, जिसको लगन भाव कहते हैं, अगर वहां पर 5 लिखा हुआ है पहले भाव में, तो आपका सिंह, आपने सिंह राशि से सुनना है राशिफल। तो आइए चर्चा करते हैं सिंह राशि के विषय में, और सर्वप्रथम आरंभ करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के, कि इस माह आपका अप्रैल के महीने में व्यवसाय कैसा रहने वाला है। तो आपको बताना चाहेंगे कि साथियों, माह के आरंभ से लेकर के और 13 अप्रैल तक आपको अपने कारोबार या अपने रोजगार में काफी समस्याएं आपके लिए खड़ी होंगी, आपके लिए, जिनको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, चुनौतियां, चैलेंजेस, कठिनाइयां, इस प्रकार का ये सिलसिला जो रहेगा वो 13 अप्रैल तक रहेगा। लेकिन 13 अप्रैल को जैसे ही मंगल अपनी राशि परिवर्तित करेंगे और वो वृषभ राशि से निकल करके, टॉरस से निकल करके जेमिनी राशि में एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, उनका प्रवेश होगा, बस उसी दिन से माह के अंत तक धीरे धीरे आपकी समस्याओं में, जो आपके कार्य क्षेत्र में समस्याएं हैं, उनमें कमी आप महसूस करेंगे और आप काफी 13 अप्रैल से काफी सुकून भी महसूस करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। दूसरा, 13 अप्रैल को ही सूर्य भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं अपना, वो भी आपके कुंडली के चार्ट में अष्टम भाव में है, मित्र राशि में है, और वो 13 अप्रैल को मेष राशि में जाएंगे, उच्च की राशि है उनकी। तो जब ये 13 अप्रैल को सूर्य भी अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, आपके भाग्य भाव में आएंगे, तो एक बहुत सुंदर योग बनेगा। 16 तारीख को बुध भी यहां पर आ जाएंगे, हालांकि उनकी स्थिति कमजोर है, अस्त अवस्था में है और पूरे माह अप्रैल में वो अस्त रहेंगे, लेकिन बावजूद इसके एक बहुत अच्छा योग बन रहा है कुंडली में, आपके भाग्य का भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। बहुत अच्छा, आपके भाग्य का एक तरीके से कह सकते हैं सितारा आपका बुलंदियों पर रहेगा 13 अप्रैल ऑनवर्ड्स। आपके कार्य क्षेत्र में मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि होगी, और इसके अतिरिक्त आप जो हैं, जो भी कार्य करेंगे उन सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको प्रशंसा मिलेगी आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, और जो भी कार्य होंगे वो आप बहुत तेजी के साथ समय से पहले पूरे कर पाएंगे, यानी कि चौतरफा सफलता आपको 13 अप्रैल से आगे माह के अंत तक मिलने वाली है। जितनी परेशानियां थी उनका अंत 13 अप्रैल को होने जा रहा है, ये आपके लिए एक बहुत शुभ समाचार है। अब आपको बताना चाहेंगे वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी। धन का आगमन पूर्ण रूप से रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ कहीं कहीं रुकावट हो सकती है धन में, लेकिन कमी नहीं रहेगी धन में किसी प्रकार की। हां, इस बात को तो हम कह सकते हैं कि सेविंग जितना आप करना चाहते हैं उतना ना हो, उसमें कमी रहेगी। और जहां तक सुख सुविधाओं का सवाल है, सुख सुविधाओं का प्रश्न है, सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आप अपने 13 तारीख से पूरा काम में अपने पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएंगे और पूरा आपका फोकस अपने काम पर हो जाएगा, तो सुख सुविधाओं का लाभ तो फिर कहां प्राप्त कर पाएंगे।
तो ये था आपके उस वित्तीय स्थिति की बात। अब आपके प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं और वैवाहिक संबंधों की। तो देखिए, प्रेम संबंधों का जहां तक हम देख पा रहे हैं आपके चार्ट में, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए तो हम कह सकते हैं कि इस माह अप्रैल में आपके लिए ग्रहों का कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है प्रेम संबंधों में। तो अगर आप कोई प्रयत्न कर रहे हैं या कोई प्रयास कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो यहाँ हमारा आपको व्यक्तिगत सुझाव होगा कि आप अभी उसको एक तरफ रख दें, अभी उस विषय में ज़्यादा ना सोच विचार करें, उस पर कार्य ना करें, क्योंकि सफलता नहीं मिल पाएगी, ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वैवाहिक संबंध, देखिए वैवाहिक संबंधों में आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपके जीवन साथी यानी आपका जो लाइफ पार्टनर है उनके हेल्थ को लेकर के समस्याएं बन जाएं इस माह। इस बात को लेकर आपको काफी कॉशियस रहना है, सावधान रहना है, सचेत रहना है। बाकी रहा सवाल वैवाहिक संबंधों का, तो मुझे वैवाहिक संबंधों में किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। पारिवारिक संबंध, देखिए पारिवारिक संबंधों का जहां तक प्रश्न है कि माह के मध्य तक आरंभ से लेके सामान्य रहेंगे संबंध, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन महामध्य से माह के अंत तक संबंधों में कुछ कमी महसूस आपके द्वारा होगी। और आपके मित्रों का सहयोग भी आपको प्राप्त या तो कह सकते हैं नहीं हो पाएगा, और होगा भी तो ना के बराबर। बड़े भाई बहनों का भी सहयोग आपको प्राप्त इस अवधि में, आपको आशा नहीं रखनी चाहिए सहयोग प्राप्ति की अपने बड़े भाई बहनों से। जहां तक छोटी यात्राओं का सवाल है, वो आप कर सकते हैं, वह आपके लिए लाभकारी रहेंगी। लेखन आदि के काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। और आगे हम शिक्षा की बात करें छात्रों के, कि छात्र लोग जो हैं उनकी शिक्षा किस प्रकार की रहेगी, तो शिक्षा भी जो है वो मध्यम से थोड़ा नीचे रहेगी, सामान्य ही चलेगी, और बीच बीच में थोड़ी सी परेशानियां भी छात्रों को आएंगी। ये नहीं कह सकते कि सुचारू रूप से चलेगी। और विशेषकर 13 तारीख से और माह के अंत तक इस प्रकार की स्थिति रहेगी कि बीच बीच में कुछ स्थिति गड़बड़ हो। 13 तक तो किसी तरह ठीक ठीक चलता रहेगा शिक्षा का आपका कार्यक्रम, लेकिन 13 से आपको थोड़ा सावधान रहना है, ग्रहों का थोड़ा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, उसी के कारण आपको ज्यादा सचेत रहना है। संतान की बात अगर हम करें, तो देखिए माह के आरंभ से लेकर के माह के मध्य तक संतान की ओर से आपको ना तो विशेष कोई बहुत प्यार और सहयोग मिलेगा, ना ही कोई उसमें कोई कमी आपको सामान्य रहेगा। लेकिन 13 अप्रैल के बाद और माह के अंत तक थोड़ा संतान की तरफ से आप चिंतित रह सकते हैं उनकी कार्यों को लेकर के। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य आपका हमें पूरे माह सामान्य से ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर छोटी मोटी कोई समस्याएं होंगी भी तो वह स्वतः ही समाप्त होती जाएंगी, उसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उपाय कौन से करें कि जिनसे आपको और अधिक लाभ प्राप्त हो और परेशानियां भी आपकी समाप्त हो? तो देखिए, मंगलवार के दिन 13 अप्रैल तक आपने करना है, बल्कि मैं तो कहता हूं अगर पूरे माह करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। मंगलवार के दिन प्रत्येक मंगल को आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की प्रतिमा के आगे तेल, सरसों के तेल का दीपक जला करके और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा, हनुमान स्तोत्र, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक का पाठ करें और आरती से पूजा संपन्न करें। और जो महिलाएं हैं वो क्या करें मंगल के लिए, क्योंकि वो तो पूजा नहीं कर सकती हैं हनुमान जी की, उनको ये करना है कि वो अर्गला स्तोत्र का पाठ करें या सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकती हैं महिलाएं। बुधवार के दिन गौ माता को अपने हाथों से हरा चारा खिलाएं, और शुक्रवार के दिन 2 रोटियों पर देसी घी रख करके, चीनी रख करके अपने हाथों से गौ माता को खिलाएं, बस ये काम करें और कुछ नहीं करना। और अगर आपके जीवन साथी को शारीरिक समस्या जिसकी हमने अभी बात करी थी,
कि हो सकती है तो आप केले के वृक्ष की पूजा बृहस्पतिवार के दिन करना आरंभ कर दें। तो यह था सिंह राशि के जातकों का माह अप्रैल 2021 का राशिफल। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।